जिसे कॉलेज के छात्रों ने कुलपति को सांस्कृतिक मांगों का सौंपा ज्ञापन, सभी मांगे हुई पूरी, छात्रों में दिखी खुशी। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के छात्र सांस्कृतिक मांगों को लेकर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांग फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाने की रखी गई। इसके अलावा जिन्हों की सप्लीमेंट्री निकली या फिर उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए उनकी फीस रिफंड करने की मांग की गई। सभी सांस्कृतिक मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा, जिस पर कुलपति ने सारी मांगे पूरी कर दी है, जिसके बाद छात्रों में खासी खुशी देखने को मिली। आज हम सभी छात्रों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंतर्गत पहली मांग ये थी, आज 18 दिसंबर जो कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो हमने उनसे मांग की है कि इस तिथि को बढ़ाया जाए, तो ये मांग पूरी हो चुकी है और कल अखबार में भी इस संदर्भ की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, परीक्षा की दिनांक बढ़ चुकी है। दूसरी मांग ये थी कि जब छात्र छात्राओं द्वारा सत्र के प्रारंभ में जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो कई विद्यार्थी जिनके सप्लीमेंट्री आ गई या जो फॉर्म नहीं भर पाए तो उनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हो रही है, तो दूसरी मांग हमने ये की है कि जो सभी छात्र छात्राएं हैं उनकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो वापस से। तीसरी मांग ये थी कि पूरक परीक्षा का यदि कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो उसको सारे विषय की फ़ीस सबमिट करानी पड़ती है, एक चीज़ ये थी। और कुछ बच्चे जो MSc प्राइवेट के फॉर्म भरे थे जिन्होंने, अब वो यदि रेगुलर हो चुके हैं जो पास हो गए, तो इस संदर्भ में भी हमने मांग की है कि अब वह विद्यार्थी भी रेगुलर हो पाएँ। तो आज ये हमारी 7 सूत्रीय मांगे थी, जो सारी मांगे पूरी हो चुकी है और कल महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। नाम बताओ। आशीष भारद्वाज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। किस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया क्या? आज हमने MD यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन दिया है 6 सूत्रीय मांगों को लेकर। सबसे पहले हमारी मांग थी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है उसको बढ़ाया जाए, कि इन डेट के लिए अभी बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो हाल फिलहाल 1-2 दिनों में आए थे, जिसे विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए उनकी डेट बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया था। सेकंड अपनी मांग ये थी, अभी प्रवेश के लिए जो फीस ली थी कॉलेज वालों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट विद्यार्थियों की फीस वापस लौटाई नहीं गई है, जिसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया था। तीसरी अपना ज्ञापन ये था, जो प्राइवेट महाविद्यालय होते हैं वो महाविद्यालय अपनी मनमानी करते हैं, लड़कों से फीस के लिए, TC के लिए, हर चीज़ के लिए फीस वसूली की जाती है, उनके लिए हमारा ज्ञापन था। चौथा ज्ञापन था, MSc जो पिछले वाले 70 के अंदर प्रवेश की जाती थी, इस बार फाइनल ईयर की नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी अपना ज्ञापन था। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। नाम बताइए आपका। जाबेर खान, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, NSI।